जायके के लिए मशहूर नवाबों की नगरी लखनऊ का जायका बिगड़ गया है। यूपी सरकार के बूचड़खानों को बंद करने के फरमान के बाद अब शाही बिरयानी और टुंडे कबाब का स्वाद कुछ फीका फीका सा हो गया है। अगर आप लखनऊ में नवाबी खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको शाकाहारी खाने का ही स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जब बूचड़खानों के दरवाजों पर ताले लटकाए तो उसके विरोध में अब चिकन विक्रेताओं ने भी अपनी दुकान के शटर बंद कर दिए हैं। बूचड़खानों पर कार्रवाई का विरोध करते हुए गोश्त विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। भैंस के गोश्त की किल्लत के चलते चिकन और मटन के व्यंजन बेच रहे मशहूर नामों सहित मांसाहार बेचने वालों ने भी दुकानें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से नॉनवेज खाने से गुलजार रहने वाले बाजार अब बेजार नजर आ रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। आलम यह है कि नहारी की दुकान में आलू की सब्जी और मटन बिरयानी की जगह अब वेज बिरयानी ने ले ली है। लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल के मुबीन कुरैशी ने बताया कि इस कार्रवाई से मीट विक्रेताओं पर बुरा असर पड़ा है। इस कारोबार में लगे लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मटन और चिकन विक्रेता पहले ही दुकानें बंद कर चुके हैं, अब मछली विक्रेताओं को भी साथ लेने की कोशिश हो रही है और वो भी जल्द हमारे साथ आंदोलन में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद लखनऊ का मशहूर खाना बेस्वाद हो गया है। बाजारों से रौनक लौट गई है। ऐसा लग रहा है कि बूचड़खाने बंद होने से पूरा उत्तर प्रदेश शाकाहारी बन जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।